बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी। अब ये 22 साल बाद फिर से पर्दे पर वापसी कर रही है। गदर 2 में अमीषा पटेल और सनी देओल दिखाई देंगे। कुछ पुराने किरदार ऐसे होंगे जो आपको इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे। साल 2001 में आए सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर तो इसकी धूम थी, लोगों के जहन में इसकी कहानी रम गई थी। इसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते रहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच हुए नरसंहार को मेकर्स ने बखूबी दर्शाया था। साथ ही एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसमें लव एंगल भी रखा गया था। अब पूरे 22 साल बाद इसका दूसरा पार्ट आ रहा है जिसमें काफी कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर की सीक्वल फिल्म गदर 2 इस साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट घोषित करने के साथ फिल्म का पहला लुक भी जारी किया है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ कर चर्चा में आए सनी देओल बेहद गुस्से में हाथों में बड़ा सा हथौड़ा लिए नजर आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया के जानकारों के मुताबिक गदर फिल्म जहां भारत पाकिस्तान के विभाजन यानी कि 1947 और उसके बाद के दौर पर आधारित फिल्म थी, वहीं इस बार फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की कहानी में करीब 24 साल का गैप दिखाया है। फिल्म गदर की सीक्वल गदर 2 की कहानी कुछ इस तरह की है कि यह 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौर पर आधारित है। पिछली बार जहां तारा सिंह बने सनी देओल अपनी पत्नी सकीना का रोल कर रही अमीषा पटेल को लेने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहीं अब की बार तारा सिंह अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है। गदर 2 को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार एक्टर उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष शर्मा डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। फिल्म में सनी देओल के बेटे जीते एक सैनिक के रूप में नजर आएंगे। पूरी कहानी पता चलेगी फिल्म रिलीज होने के बाद। ऐसे हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।